आपका धर्म हो, आप धर्म को पालते पालते अधर्म की ओर चले जाएं, मैं कदापि नहीं कहता हूं, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूं, अपने हृदय से ये फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। हे गुरुदेव, तुम ही कोई उपाय बताओ। वास्तव में राघव, आज तुम दोनों भाइयों का जब वार्तालाप सुना तो हृदय गदगद हो गया। धन्य है तुम्हारे जैसा भाई और धन्य है भरत जैसा भाई। अगर भाई हो तो भरत जैसा, और अगर किसी पिता को बेटा हो तो राम जैसा। तुम दोनों का आदर्श इस धरा पर सदा सदा के लिए एक उपदेश बन के रह जाएगा। देख रहा हूं कितना बड़ा अयोध्या का साम्राज्य आज दोनों भाइयों के द्वारा उस साम्राज्य को एक गेंद बना दिया गया है। एक ठोकर मारता है तो उधर चला जाता है, उधर से दूसरा ठोकर मारता है तो इधर चला जाता है। धन्य हो राघव। लेकिन बेटा, अब हमारे समझ में केवल एक ही बात आती है, भरत तुम्हारा धर्म यही है कि भाई कहे उसकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अवश्य। क्यों? जो जेठ होता है, जो बड़ा होता है, वह पिता की तुल्य होता है। सत्य है। और बेटा, तुम्हारा भी धर्म ये है कि अपने छोटे भाई को ये 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के लिए कुछ सहारा प्रदान कर दो, अविलंब दे दो, जिस सहारे से ये भरत बेचारा 14 वर्ष अयोध्या में जीवन व्यतीत कर सके। जो आज्ञा। प्रभु करे कृपा। भैया लक्ष्मण जाओ, पाबुरी दीन सादर भरत शीश धर लीन। भैया, आज मैं तुम्हें ऐसी वस्तु प्रदान कर रहा हूं जिस वस्तु से तुम्हारा भी धर्म बना रहेगा और हमारा भी धर्म बना रहेगा, क्योंकि तुम अयोध्या की राजगद्दी पर अब नहीं बैठ सकते हो, हमें विश्वास, और मैं अयोध्या वापस नहीं चल सकता। तो मैं तुम्हें ये चरण पादुकाएं दे रहा हूं, इन्हें ले जाओ और इन्हें ले जाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर रख देना और हर रोज इनकी पूजा करना। इन चरण पादुकाओं में तुम हमारे दर्शन नित प्रतिदिन पाओगे। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे भैया प्रभु श्री राम अयोध्या में नहीं है। लो, हे नाथ, आपने हमें चरण पादुकाओं को देकर एक रास्ता बता दिया है, सहारा दिया है। हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं, इन 14 वर्षों की अवधि को लेकर यदि एक दिवस भी ज्यादा हो गया तो? और यदि आप वापस ना आए तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अयोध्या में आपको हमारा शरीर तो मिलेगा लेकिन प्राण नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा यदि आप ना लौटे तो, ये हम आपसे वादा करते हैं। हे प्रभु, समय के ही अंदर आप आ जाइएगा क्योंकि हमें आपका इंतजार रहेगा। भरत, आज मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि वनवास की अवधि से एक दिन पहले तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगा या मेरी खबर तुम तक आ जाएगी। इस बात से तुम निश्चिंत रहना प्रभु के मैया के प्यारे ला। हे भैया भरत, कहे नाथ, आज तुमने, आज मुझे विश्वास है कि तुमने हमारे प्रेम के खातिर हमारी मझली माँ के कई से बहुत बुरा भला कहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मैया के कई की ओर देखता हूँ तो आज हमारी माँ के कई का मुखमंडल काला पड़ गया है। लेकिन ना भरत, हमारी मैया केकई जैसी मैया संसार में किसी पुत्र को नहीं मिल सकती है। हे माँ, तुम अपने आप को कभी दोषी न ठहराना।
क्यों? क्योंकि मैं सदैव परमात्मा से कामना यही करूंगा कि यदि मुझे धरती पर मानव शरीर में आना पड़े तो मुझे तुम जैसी माँ प्राप्त हो। क्यों? हे माँ, यदि तुम ना होती इस संसार में तो मुझे संसार नहीं पहचान पाता। आज तुम्हारे ही खातिर मेरी संसार में एक पहचान बनेगी माँ। हे माँ, अरे ये जीवन जितनी बार मिले, हे माँ, हे मेरी मझली माँ, तुम कभी अपने आप को ना कोसना कि ये जीवन जितनी बार मिले। हे माँ, मैं कहता हूं इस राम को ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। नहीं तो माँ ये धरा बह जाएगी, राम की छाती फट जाएगी। माँ रोक लो अपने आंसुओं को, तुम्हें मेरी सौगंध है माँ। हे मैया के प्यारे लाल, अरे ले जा रे खड़ाऊ, हे गुरुदेव।